पोलर इक्वेशंस ऑफ कॉनिक्स का थर्ड वीडियो। इस वीडियो में इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हम लोग निकालेंगे। उसके पहले रिकैपिटुलेशन, जिसको शॉर्ट में रिकैप लिखते हैं। रिकैप माने पुनरावृत्ति, ये संक्षिप्त आवृत्ति कई अर्थ होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे रिकैप पुनरावृत्ति रिपीटिशन के अर्थों में किया गया है। देखो, अभी तक हम लोगों ने व्हेन थीटा इक्वल टू अल्फा इज द एक्सिस एंड फोकस इज द पोल, तो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक इन पोलर फॉर्म होगा एल बाई आर इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा, सॉरी ई कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। ये कब होगा? ये होगा इस वाले केस में। ठीक ना, ये फोकस है जिसे हमने पोल मान लिया है, ये इनिशियल लाइन है एंड दिस इज एक्सिस और ऐसा शेप है। नंबर टू, एल बाई आर इक्वल टू वन माइनस ई कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। This is axis. Theta equal to alpha. थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना, थोड़ा नहीं काफी टेढ़ा लग रहा है। ये है, इनिशियल लाइन, ये फोकस है, इसी को हमने पोल मान लिया है, ये शेप बनेगा, तो इसका इक्वेशन ये आएगा। तो इस शेप वाले को हम मुख्य मान के चलेंगे, प्रिंसिपल, ठीक है ना। इसके रिजल्ट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें हम ई को रिप्लेस कर देंगे माइनस ई से, समझ रहे हैं आप। तो एक तो ये आप पढ़े थे, दूसरा आप पढ़े थे बी, व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो माने इनिशियल लाइन इज द एक्सिस एंड फोकस इज द पोल, एल बाई आर इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा एंड एल बाई आर इक्वल टू वन माइनस ई कॉस थीटा। अब की बार इनिशियल लाइन ही एक्सिस ऑफ द कॉनिक है, ये पोल है जिसके कोऑर्डिनेट्स को जीरो जीरो लिख दिए, इसका मतलब फोकस है, ये फोकस को पोल मान लिया गया है, ऐसा वाला है। और ये दूसरा वाला, ये वाला है, ये फोकस, ठीक, समझ में बात आ रही है। ये दो तरीके शेप लेकर के चलते हैं, दो तरीके के इक्वेशन आते हैं, इसी को हम मुख्य मान के चलेंगे, प्रिंसिपल मेन। इसका रिजल्ट निकालेंगे, इसके लिए नहीं निकालेंगे, चूंकि शुरुआत है इसलिए हम सब दोनों के लिए निकाल दिए हैं। इसका कोई भी रिजल्ट है उसमें ई की जगह माइनस ई रिप्लेस कर दोगे तो इसके लिए रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। इसी में एक बात और हम देखेंगे, कन्फोकल कॉनिक्स पोलर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, कन्फोकल कॉनिक्स। देखो, एल बाई आर इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा,
और एल बाई आर इक्वल टू वन प्लस ई कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, ये दो इक्वेशंस हैं है ना, अलग अलग निकाले गए थे इसलिए दोनों में एल एल ही रहने दिया था, तो एक में हम एल वन कर दे रहे हैं एक में एल टू कर दे रहे हैं। इसेंट्रिसिटी के कारण उसका जो है ये फैलाव पता चलता है, तो दोनों में हम चेंज कर दे रहे हैं। दोनों में क्या नहीं चेंज कर पा रहे हैं, दोनों में क्या कॉमन है, फोकस एज पोल, इसमें भी फोकस पोल है इसमें भी फोकस पोल है, दोनों में चेंज क्या है, लेटस रेक्टम में चेंज है, इसेंट्रिसिटी में चेंज है और एक्सिस में चेंज है, तो ये दोनों कॉमन फोकस रखते हैं। किसको फोकस रखते हैं, पोल को, पोल इसमें भी फोकस है पोल इसमें भी फोकस है, हैविंग द सेम फोसाई दीज आर कन्फोकल कॉनिक्स। तो जब भी हमें दो कन्फोकल कॉनिक्स लेना होगा तो हम यही दो इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। अब आइए आज के वीडियो पे बात करते हैं। डायरेक्ट्रिक्स में भी वही जिसको हम बोल रहे थे प्रिंसिपल मानते हैं, मुख्य मानते हैं, मेन मानते हैं, उसी के लिए निकालेंगे। ए इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एल बाई आर इक्वल टू वन प्लस ई कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू फोकस एज पोल। कौन सी डायरेक्ट्रिक्स, उस फोकस के रेस्पेक्ट में जो डायरेक्ट्रिक्स रिलेटिव टू दैट फोकस विथ रेस्पेक्ट टू लिखे, चाहे रिलेटिव टू फोकस एज पोल, जैसे मान लो पैराबोला में तो कोई झगड़ा ही नहीं है, वहाँ एक ही डायरेक्ट्रिक्स होगा एक ही फोकस होगा, लेकिन मान लीजिए केस इलिप्स का है, इसमें दो फोसाई हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, हम कौन सा हिस्सा लेके चल रहे हैं, ये वाला ना, तो इसी को आप पोल माने हैं, इस फोकस को, तो इसके रेस्पेक्ट में डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा, इधर होगा, इसके रेस्पेक्ट में डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा। तो लिखा हुआ है उस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालो जो पोल की तरह यूज हो रहा है फोकस उसके रेस्पेक्ट में, ये क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन निकाल के रख देते हैं अभी, हाँ इसके अबाउट बनाना है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, फोकस एज पोल, ये एंगल अल्फा है, इतनी ही दूर इधर डायरेक्ट्रिक्स जाएगा, ये वर्टिक्स है, यहां से डायरेक्ट्रिक्स हम खींचेंगे तो ये पॉइंट जेड होगा, याद है ना सब, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस लाइन खींचनी है, ये है डायरेक्ट्रिक्स, इसे भी जरा ठीक कर दें, ठीक है जरा सा चेंज हो, ओके, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर भी लिख दिए हैं, ये ऐसा, ये है डायरेक्ट्रिक्स, किसका इक्वेशन निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स का, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स पर स्थित जनरल पॉइंट के जनरल कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन निकालो, हाँ इक्वेशन किसका निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स का, इसलिए हम जनरल पॉइंट किस पर लेंगे, डायरेक्ट्रिक्स पर, माना ये जनरल पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स पर पी आर थीटा, तो आर क्या होगा, आर पोल से डिस्टेंस, ये आर होगा, और इस थीटा कहाँ से नापा जाता है, इनिशियल लाइन से, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक थीटा होगा, ठीक, तो बीच वाला एंगल कितना होगा, ये वाला थीटा माइनस अल्फा, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, थोड़ा सा सेंटेंस लिखेंगे बस, लेट पी आर थीटा बी जनरल पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, ऑन द डायरेक्ट्रिक्स विथ रेस्पेक्ट टू एस,
विथ रेस्पेक्ट टू द फोकस, विथ रेस्पेक्ट टू द फोकस एस, जो कि पोल भी है. कैसे पता? कोऑर्डिनेट से. देन इन राइट एंगल ट्रायंगल, यही ट्रायंगल ले लें, पी जेड एस, पी जेड एस. इस देखो आपको क्या निकालना है, निकालना उकालना नहीं, एक रिलेशन निकालना है. तो एस जेड आपको मालूम है, आर मालूम है, यानी बेस मालूम है, हाइपोटेन्यूज मालूम है. कॉस ऑफ दिस डॉट एंगल, कॉस कौन सा एंगल है वो, पी एस जेड इक्वल टू एस जेड अपॉन आर, एस जेड अपॉन आर. और एस जेड कितना आता है, एल बाई ई, स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको हम बता चुके हैं, अपॉन आर. इम्प्लाइज दैट आर कॉस ऑफ पी एस जेड कितना होगा, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू एल बाई ई. यही इक्वेशन है, लेकिन इसको एल बाई आर जैसे रूप में लिखने का चलन है. एल बाई आर इक्वल टू ई, आर को यहाँ कर दिए, ई को यहाँ कर दिए. एल बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा माइनस अल्फा, यही है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, इसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन उस फोकस के रेस्पेक्ट में जिस फोकस को पोल समझा गया है. समझ में आ रहा है ज्योमेट्री ना, आपके समझ में आ रहा है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी कठिन सी बात है जो आपके समझना है. इक्वेशन का मतलब जिसका भी इक्वेशन निकालना है उस पर स्थित जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में एक रिलेशन, आर थीटा में एक रिलेशन कैसे निकालेंगे? जो उपलब्ध डेटा है, जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं, उन्हीं से अपना निकालते हैं, बुद्धि लगा के, युक्ति लगा के, स्किल लगा के, बस. सब्जेक्ट सीखिए हमसे, मैकेनिज्म सीखिए हमसे, सोल्यूशन तो बहुत मिल जाएगा. बी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, कहीं कहीं हम एब्रिविएशन लिख दे रहे हैं, आप समझ लोगे. इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ, अब की बार हम इसे उठा रहे हैं, एल बाई आर इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा. ये इसमें थीटा बराबर जीरो एक्सिस होता है. इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एल बाई आर इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू द फोकस एज पोल. बस हमने कोनिक का इक्वेशन चेंज किया है, कॉन्सेप्ट सारा वही है. अब की बार एस एक्स यानी इनिशियल लाइन ही एक्सिस है, तो अब इसके अबाउट सिमेट्रिकल फिगर बनाना है. ऐसे इतनी ही दूर इधर डायरेक्ट्रिक्स जाएगा. यहाँ पे जेड लिखिए, वर्टेक्स पर ए लिखिए, ठीक. अब इस पर पॉइंट नहीं लेना हमको, हमको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना है ना, तो हम डायरेक्ट्रिक्स पर जनरल पॉइंट लेंगे. ये ले लिया हमने पी आर थीटा, पोल से इसको मिला दिए तो ये रेडियस वेक्टर हो गया और ये थीटा हो गया. अब इसमें अल्फा जैसा कोई एंगल है नहीं, बहुत ईजी है, ठीक. वही एक लाइन का सेंटेंस लिखते हुए काम को आगे बढ़ाइए. लेट पी आर थीटा बी जनरल पॉइंट, ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, देन इन राइट एंगल ट्रायंगल पी जेड एस कॉस थीटा इक्वल टू एस जेड अपॉन आर. एस जेड होता है एल बाई ई अपॉन आर. तो ई को इधर कर दें बस, एल बाई आर वहीं रहने दें, इक्वल टू ई कॉस थीटा. ये रहा. अब एक रिजल्ट हम और देखेंगे. क्वेश्चंस के रूप में बुक्स में वो दिया रहता है, इलिप्स के दो डायरेक्ट्रिसेस होंगी, एक तो जिस फोकस को हमने पोल लिया है उसके करिस्पॉन्डिंग, और एक जिस फोकस को हमने पोल नहीं लिया है उसके करिस्पॉन्डिंग. तो
तो वही जो दूसरका वाला है उसी का इक्वेशन निकालना। आइए देखें, इंटरेस्टिंग है। इसको हम इसे आर्टिकल की तरह से आपको पढ़ा दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स, ना एलिप्स लिखे तो उसको ऐसे घुमा के लिख दें, ऑफ द कॉनिक एल बाई आर इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा, ब्रैकेट में लिख दें ई लेस देन वन, लो हो गया एलिप्स, विथ रेस्पेक्ट टू फोकस अदर देन पोल, विथ रेस्पेक्ट टू द फोकस अदर देन पोल, अदर देन पोल, ये लंबा सा हेडिंग बन गया। बुक्स में आपको मिलेंगी, कोई भी बुक पढ़िएगा तो एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल के रूप में मिलेगा या क्वेश्चन के रूप में मिलेगा। चलो शुरू करो, एक एलिप्स बनाना पड़ेगा पहले, फ्री हैंड बना रहे हैं, जाहिर सी बात है अच्छा तो नहीं होगा। ये रहा, बीचों बीच में सेंटर, यहाँ पर मैं ऐसी कोई लाइन खींच नहीं रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। एक फोकस ये है, एक फोकस ये है, सेंटर को हम सी लिख दे रहे हैं, ठीक। अब यही झटके मोरजी न करिएगा, पोल हम इस फोकस पे ले रहे हैं एस पर, जिसके बगल में कोऑर्डिनेट जीरो जीरो लिख दिए वही पोल हो गया। इसके रेस्पेक्ट में जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो इतनी ही दूरी इधर होगा, ये अंदाज से खींच लो भैया। एक डायरेक्ट्रिक्स ये है, इसका इक्वेशन आप निकाल चुके हो, क्या एल बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा, इसे घोषित कर दो कि ये इनिशियल लाइन है ऐसा। और एक फोकस ये है अदर देन पोल, इसे एस डैश लिख दो, फोकस अदर देन पोल, दो फोसाई है ना, एक पोल है एक अदर देन पोल है। इसके करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स होगा ये इधर होगा ऐसा, तो यही है। इसको हम लिखना चाहेंगे इस तरह से, रिक्वायर्ड डायरेक्ट्रिक्स, हालांकि डायरेक्ट्रिक्स नहीं रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है उसका इक्वेशन, लेकिन अब कैसे लिखें इसको, या कुछ ना लिखें जाने तो फूहड़ लगेगा, गंदा लगेगा। ठीक है भैया, समझ में आ रहा सबके। इक्वेशन किसका निकालना है, इसका जनरल पॉइंट किस पर लेंगे हम, इस पर। एक काम और कर लें, यहाँ पर जेड लिख लें और यहाँ पर जेड डैश लिख दें, ये सब बिल्कुल बैलेंस्ड हो, जो डेटा इधर के लिए वही डेटा इधर के लिए होता है। तो इस पर हमने पॉइंट ले लिया पी आर थीटा, तो आर क्या होगा, पोल से इस पॉइंट की दूरी, पोल बहुत दूर है, स्केल से खींच पाएंगे तो कुछ ज़्यादा ही दूर बन गया, ये मुश्किल ही है फिलहाल, कुछ अंदाजा लेते हुए। एरा ये हो गया रेडियस वेक्टर आर, और ये थीटा जानते हैं कौन सा एंगल होगा, कहाँ से नापते हैं इसको, इनिशियल लाइन से, इस लाइन से नापते हैं, ये ऐसे घूम के लाइन आई है, तो थीटा एंगल होगा ये, तो फिर ये जो डॉट एंगल है ये कितना होगा, ये होगा पाई माइनस थीटा, ठीक। बस इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये डिस्टेंस मालूम है, आर मालूम है, इसके लिए बेस मालूम है, हाइपोटेन्यूज मालूम है, शुरू करिए वही एक सेंटेंस बस। लेट पी आर थीटा बी जनरल पॉइंट, बी जनरल पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, ऑन द डायरेक्ट्रिक्स
विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश, ये तो लिख ही सकते हैं. डायरेक्ट्रिक्स करिस्पॉन्डिंग टू दिस फोकस, रिलेटिव टू दिस फोकस, विथ रेस्पेक्ट टू दिस फोकस. देन इन राइट एंगल ट्राइंगल पी जेड डैश एस, पी जेड डैश एस कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू बेस एस जेड डैश अपॉन हाइपोटेन्यूस आर, ठीक ना, इंप्लाइज दैट माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एस जेड डैश को तोड़ना है कैसे, एस एस डैश प्लस एस डैश जेड डैश, एस एस डैश प्लस एस डैश जेड डैश, बोलिए समझ में आ रहा है, अपॉन आर, आर को भी इधर करना है, इंप्लाइज दैट माइनस आर कॉस थीटा इक्वल टू एस एस डैश, दोनों फोसाई के बीच की दूरी टू ए ई होता है, ए इज जीरो माइनस ए ई जीरो, ये तो याद ही होगा इंटरमीडिएट में पढ़ा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा टू ए ई प्लस, देखो एस डैश जेड डैश लेंथ का मान उतना ही होता है जितना एस जेड का होता है, है क्या ये फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी, तो इसको एस डैश जेड डैश को हम लिख दे रहे हैं एस जेड, लॉजिक भी लिख दे रहे हैं ताकि पढ़ते समय दोबारा आपके समझ में आए, सिंस एस जेड इक्वल टू एस जेड जेड डैश प्लस टू ए ई प्लस इसकी वैल्यू एल बाई ई आपको मालूम है. अब ये जो टू ए ई वैल्यू फट से आपने बताया, ये टू ए ई वैल्यू एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू वन इक्वेशन का ए है, लेकिन यहाँ तो ए है ही नहीं है, ठीक है बेटा, तो इस ए को हटाना पड़ेगा, वहाँ पर कोई तो रिलेशन ऐसा निकल आएगा ए और ई के रूप में जिसको हम यहाँ फिट कर देंगे. तो चलो इसे नंबरिंग वन करो, अब कार्टेशियन का रिजल्ट लिखें उसको फिर इसमें ले आए बदल करके, फिगर की जरूरत खत्म हो गई है, मिटा दे रहा है. वी नो दैट बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन टू वन माइनस ई स्क्वायर फॉर द एलिप्स, यही हाइपरबोला का केस होगा, तो बस यहीं पर ई स्क्वायर माइनस वन कर देना है, बाकी सारा कैलकुलेशन ऐसे ही होगा. एंड एल इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, सेमी लेटस रेक्टम बी स्क्वायर बाई ए होता है, हाँ पूरा लेटस रेक्टम की लंबाई टू बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, लेकिन जो संदर्भ हमारा चल रहा है इसमें एल का इस्तेमाल किस रूप में हुआ है, एस एल सेमी लेटस रेक्टम की लंबाई के रूप में हुआ है. देयरफोर एल इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू ए इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, ठीक, तो यहां से ए का मान निकाल करके रख देना, बस हो गया, ये जो संकट था हमारा, जो अशुद्धि थी इम्प्योरिटी थी, हट जाएगा. इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू एल अपॉन वन माइनस ई स्क्वायर, पुटिंग इट इन वन, समझ लिए ना पूरा, यहां सब आना तो बहुत ही सरल था, अब यहीं पर आकर के आपको तुरंत चौंकना चाहिए कि ए तो है ही नहीं, ए कहां से आ गया, तो ए की वैल्यू इस प्रकार से हम निकाल करके इसमें रख देंगे, पुटिंग इट इन वन वी गेट, चलिए इसमें रखिए थोड़ा हैवी है, माइनस आर कॉस थीटा इक्वल टू टू ई, टू ई इंटू ए, ए माने एल अपॉन वन माइनस ई स्क्वायर, ये रहा प्लस एल अपॉन ई, अब इधर एलसीएम लिख के एड किया जाए, इक्वल्स टू एलसीएम आएगा ई इंटू वन माइनस ई स्क्वायर आएगा ना, हाँ तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा टू एल ई स्क्वायर, टू एल और एक ई आएगा ई स्क्वायर प्लस एल इंटू वन माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू एल कॉमन ब्रैकेट में टू ई स्क्वायर प्लस वन माइनस ई स्क्वायर,
अपॉन ई वन माइनस ई स्क्वायर। ठीक चल रहा भाई, मिटा के ऊपर लिखते हैं। बीच में एक बात हम समझाए थे ना, अगर एलिप्स की जगह हाइपरबोला हम कर दें, ई ग्रेटर देन वन कर दें, एकदम प्रोसेस ऐसे ही करना है, बस वही जो रिलेशन लियो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, तो वो ई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि हाइपरबोला के लिए ए का मान, ई का मान एक से बड़ा होता है। इम्प्लाइज दैट माइनस ई आर, इस ई को हटा दिए, माइनस ई आर कॉस थीटा अपॉन एल भी कर दिए, ई हटा दिए ये हटा दिए, तो ऊपर कितना आएगा वन प्लस ई स्क्वायर और नीचे वन माइनस ई स्क्वायर, वन प्लस ई स्क्वायर अपॉन वन माइनस ई स्क्वायर, यही इसका इक्वेशन है। लेकिन फिर वही चीज, इसको हम लिखेंगे एल बाई आर इक्वल टू कुछ कुछ, तो इम्प्लाइज दैट, सुनो एल और आर को उधर ले चलो, तो उधर जाके हो जाएगा एल बाई आर इक्वल टू ना, ये माइनस बचेगा और एल ये उल्टा इधर आएगा, यानी कि वन माइनस ई स्क्वायर अपॉन वन प्लस ई स्क्वायर, और इसमें इनटू और क्या बचा, ई कॉस थीटा, यही है इक्वेशन इसका, ये दूसरे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। पहले डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन था एल बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा, हमें याद है आंसर, फिर भी हम मिला ले रहे हैं, माइनस ई कॉस थीटा रहेगा और वन माइनस, ठीक है बिल्कुल सही है। अब हम कोनिक अगर एल बाई आर इक्वल टू वन माइनस ई कॉस थीटा ले लें, तो इसके एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आएगा एल बाई आर इक्वल टू माइनस ई कॉस थीटा, और दूसरे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आएगा एल बाई आर इक्वल टू ई की जगह माइनस ई रखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ई की जगह माइनस ई रखने से इन पर असर नहीं पड़ेगा, वन माइनस ई स्क्वायर अपॉन वन प्लस ई स्क्वायर इंटू ई कॉस थीटा। एक डायरेक्ट्रिक्स ये है, एक डायरेक्ट्रिक्स ये है, ये संक्षेप में हम बात समझा दे रहे हैं ना, बहुत बढ़िया, क्या लिखना है इसको, हो गया। कोनिक हम लेके चल रहे हैं एल बाई आर इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा, जो प्रिंसिपल कोनिक है, अगर ये कोनिक आ जाए तो मैंने बताया ना कि उसके रिजल्ट में ई की जगह माइनस ई कर दो तो इसके रिजल्ट आ जाएगा, एक आध निकाल के देख भी लेना, एक आध निकाल के देख लेना, चलो इसको हल्का फुल्का है, एक निकाल के दिखा दे रहा है आपको। लास्ट में चलते चलते इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक एल बाई आर इक्वल टू वन माइनस ई कॉस थीटा, वही मेन वाला, विथ रिस्पेक्ट टू द फोकस एज पोल, विथ रिस्पेक्ट टू द फोकस एज पोल, समझ रहे ना, एक निकलवा दे रहा है, ये थोड़ा भारी है, इसको ऐसे कर लेना, फिगर बनाइए, ये वाला है, यहाँ फोकस इतनी दूर इधर से डायरेक्ट्रिक्स जाएगा, यहाँ जेड लिखिए, यहाँ ए लिखिए, यहाँ फोकस, इसी को पोल कहिए, और इसका इक्वेशन निकालना है डायरेक्ट्रिक्स का, इसलिए इस पर पॉइंट लीजिए पी आर थीटा जनरल पॉइंट, आर हो गया पोल से ये डिस्टेंस और थीटा हो गया ये एंगल, तो जाहिर सी बात है ये एंगल कितना होगा पाई माइनस थीटा। लेट पी आर थीटा बी जनरल पॉइंट, बी जनरल पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, देन इन द राइट एंगल द ट्राई एंगल कौन सा पी जेड एस कॉस ऑफ दिस एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एस जेड अपॉन हाइपोटेन्यूस आर, इम्प्लाइज दैट
माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एल अपॉन टू ई आर। एस जेड टू कहाँ से आ गया, एस जेड की वैल्यू होती है एल अपॉन ई, ठीक है ना। तो ई को हटा दीजिए बस, इम्प्लाइज दैट एल बाई आर इक्वल टू माइनस ई कॉस थीटा, आया ना वही चीज। एल बाई आर इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा लेके जब चले थे तब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आया था एल बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा, और जब इस कोनिक को लेके चले तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आया एल बाई आर इक्वल टू माइनस ई कॉस थीटा। तो कॉन्सेप्ट वही तो हुआ कि इसके रिजल्ट में ई की जगह माइनस ई रखने से करस्पॉन्डिंग रिजल्ट ऑफ दिस कोनिक आ जाता है, सहमत हुए। तो अब हम हर बार कर करके नहीं दिखाएंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम, चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। हम मेन कोनिक इसी को लेकर चलेंगे, कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो थीटा माइनस अल्फा वाला भी कर दिया करेंगे, अन्यथा इसी से सारा काम करेंगे, बाकी सब सिमिलरली। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने साथ साथ यदि आपको चैनल का काम अच्छा लग रहा है, हमारा काम आपको अच्छा लग रहा है, हमारी सिंपल टीचिंग आपको भा रही है, तो आप इस चैनल से अन्य को भी कनेक्ट करिए, औरों को भी बताइए कि गणितपुर चैनल से वो जुड़े। प्यारे बच्चों, मेरा काम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना नहीं है, मेरा काम आपको मैथमेटिक्स सिखाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रेसा रेसा क्लियर कर देना है, इसकी बड़ी भारी कमी है। ये मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस की बात है कि बच्चों के अंदर कॉन्सेप्ट गायब है, बच्चे फार्मूला देखें और सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए और टेक्निक मालूम हो गया, ऐसे कर दो वैसे कर दो ये कर दो वो कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो इन सब बातों के पीछे मेकनिज़म है, जो मैथमेटिक्स है, जो मर्म है, वो उससे अनभिज्ञ रहते हैं। मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगती। मुझे लगता है कि यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो इसके मर्म को जानो, कुछ भी पढ़ो उसके मर्म को जानो, कुछ भी अनाप शनाप ना बोलो, कुछ भी अनाप शनाप ना लिखो, एक एक रेशा रेशा मर्म पता होना चाहिए आपको। तो मेरा मुख्य कार्य यही है कि आपको मैं मैकेनिज्म समझाऊं, विषय बताऊं मैथमेटिक्स, जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक ना। थैंक यू।